हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स का जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आज इस वीडियो में जो है 2018 के पहले सेट के जो क्वेश्चन शेष बच गए थे वो आप लोगों को बताए जाएंगे, यानी कि ये 2018 के पहले सेट का जो है लास्ट वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए जा चुके हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए तथा समझाइए, और आगे दिया इसी में कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तो आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है बोर मॉडल की जो भी परिकल्पनाएं हैं उनको बताना है और उन्हें समझाना है। इसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए जो है व्यंजक यानी कि सूत्र का निगमन करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोर का परमाणु मॉडल तो अब इसमें ध्यान दीजिए इसकी कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। पहले तो ये याद रखिएगा कि जो बोर का परमाणु मॉडल है ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल जो है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, और बोर ने जो है इसके लिए 3 अभिग्रह जो है प्रस्तुत किए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है, बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में, जैसे कि मान लीजिए ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो है कुछ विशेष कक्षाओं में जो है परिक्रमा करते रहते हैं। तो जिन विशेष कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं उन्हें बोलते हैं स्थायी कक्षाएं। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में जो है परिक्रमा करते रहते हैं, और जिन विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं उनको बोलते हैं स्थायी कक्षा। याद रखिएगा, स्थायी कक्षा। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रत्येक स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर कोणीय संवेग लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोणीय संवेग, इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं कोणीय संवेग के लिए mvr बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको बताया गया h/2π का पूर्ण गुणज, तो इसको लिखते हैं nh/2π। ये होता है यहाँ पर n जो है इसको बोलते हैं क्वांटम संख्या, तो n यहाँ पर क्वांटम संख्या या फिर बोल सकते हैं कक्षा की क्रम संख्या। इसके बराबर हम लोग लिखते हैं n=1, 2, 3 आगे डॉट लगा सकते हैं इस प्रकार, यानी कि जिस कक्षा की बात होगी वहां पर n का मान प्रयोग किया जाएगा। अगर पहली कक्षा कह रहा है तो n का मान 1, दूसरी कक्षा बोल रहा है तो n का मान 2। तो यहां पर ये याद रखिएगा, कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो पूर्ण गुणज का मतलब यहां पर n से गुणा हो जाएगा। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको यहां पर लिखना है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, और प्रत्येक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, और आपको कोणीय संवेग बताना है यहाँ पर mvr बराबर nh/2π। तो ये इनका पहला पॉइंट है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं, ये आपको बताया गया। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है v वेग से, इसका वेग v है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, नाभिक पर आवेश जेड ई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी यहाँ पर मान लेते हैं r, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों परिक्रमा कर रहा है, तो इसको परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, ये अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है, और स्थिर वैद्युत बल के लिए ध्यान दीजिए 1/4π ε0 इतना लिखते हैं इनटू आवेश यानी कि q1 q2, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश है जेड ई और दूसरा इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, और बटे में दोनों के बीच की दूरी यानी कि r². तो इस सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं mv²/r = 1/4π ε0 जेड ई,
और इंटू ई बटे आर स्क्वायर, यानी कि अभिकेंद्र बल जो है वो स्थिर विद्युत बल के बराबर होगा। तो याद रखिएगा इसका दूसरा पॉइंट, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको लिखना है कि प्रत्येक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आरोपित होने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का तीसरा पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दो ऊर्जा स्तर बनाए गए हैं, ये N1 मान लेते हैं, ये N2, यानी कि ये निम्न ऊर्जा स्तर और ये यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर याद रखिएगा सूत्र होता है एच न्यू बराबर ई टू माइनस ई वन। तो याद रखिएगा जब भी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिए निम्न से उच्च, तो जब भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो वह जो है दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, यानी कि दोनों ऊर्जा स्तरों का जितना अंतर होगा उस अंतर के बराबर जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो इसे बोलते हैं यहाँ पर अवशोषण संक्रमण, ये होता है अवशोषण संक्रमण। ये तब के लिए है जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, यानी कि उच्च से निम्न में, तो जब उच्च से निम्न में प्रवेश करेगा तो वह जो है दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। याद रखिएगा जब निम्न से उच्च में जाता है तो अवशोषण करता है, और जब उच्च से निम्न में आता है तो वहां पर ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करता है, और इससे बोलते हैं उत्सर्जन संक्रमण। तो ध्यान दीजिए जिस प्रकार से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आप यहां पर लिखेंगे कि जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब वह उच्च से निम्न में प्रवेश करता है तो उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या यानी कि एनवी कक्षा की जो है त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो है वो स्थायी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नाभिक दिया गया, नाभिक का आवेश जेड ई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई और वेग मान लेते हैं वी, इलेक्ट्रॉन से इस नाभिक की दूरी यहाँ पर मान लेते हैं आर। तो अभी आपको बोर के मॉडल में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है इनको इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है, यानी कि आपको भी बताया गया है यहाँ पर अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर विद्युत बल। तो अब ध्यान दीजिए अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, इसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए स्थिर विद्युत बल, यानी कि वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए नाभिक पर आवेश जेड ई, फिर इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर, ये इतना होगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बचेगा एम वी स्क्वायर बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, ई और ई का गुणा हो जाएगा तो ई स्क्वायर आर, इतना होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण एक। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं बोर के परमाणु मॉडल से, तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार आपको भी बताया गया है एम वी आर बराबर होता है एन एच अपान टू पाई, ये अभी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग V का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिए जब यहाँ से हम लोग V ज्ञात करेंगे तो M इंटू आर जो है बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर V बराबर एन एच बटे में हो जाएगा टू पाई, और यहाँ पर M और R जो है वो बटे में आ जाएगा। तो अब ये V का मान जो हम लोग इस समीकरण में रखेंगे यानी कि समीकरण एक में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण एक से, तो ध्यान दीजिए जब V का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर है, तो V का मान आपको रखना है n h बटे में हो जाएगा 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे आर, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर
इसके बाद हो जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो सब का वर्ग हो जाएगा बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे आर, ये इतना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, इसके अलावा एम से एक एम इसका कट जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर पाई है तो इससे एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर। अब इसमें ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पर बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बचेगा पाई, इसके बाद एम, यहाँ पर हो जाएगा आर, बराबर में ध्यान दीजिए ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे में यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोगों को आर का मान ज्ञात करना है, तो आर इधर गुणे में लाएंगे और ये संख्या इधर लानी, तो ध्यान दीजिए जब आर इधर आएगा तो यहाँ पर आर बाकी ये सारी संख्या इधर लानी, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटे में, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इधर आ जाएगा बटे में, तो जेड ई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा पाई एम, इतना हो जाएगा। बाकी आर आप लोग इधर ले आए थे गुणे में और ये पूरी संख्या पलट के इधर आ गई, तो ये बन गया आर बराबर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और बटे में है जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान जो होता है एक, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक यहाँ पर जो लिखेंगे तो जेड का मान हो जाएगा एक। तो हम लोग एनवी कक्षा की तरह याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनवी कक्षा की त्रिज्या। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से एनवी कक्षा की त्रिज्या लिखेंगे तो आर यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन, इसका मतलब एनवी कक्षा की त्रिज्या बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे में, यहाँ पर ध्यान दीजिए जेड का मान हो जाएगा 1, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई एम, इतना हो जाएगा। इसके बाद दिया गया ई स्क्वायर, इतना हुआ और इनटू में हो जाएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो सूत्र आया है ये इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की जो है त्रिज्या का व्यंजक हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा में ही ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, रैले प्रकीर्णन का प्रतिबंध लिखिए, रैले प्रकीर्णन से रमन प्रभाव द्वारा क्या भिन्नता प्रदर्शित की गई है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके बाद रैले प्रकीर्णन का प्रतिबंध आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर रैले प्रकीर्णन से रमन प्रभाव द्वारा जो है क्या भिन्नता प्रदर्शित की गई है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नंबर 8 के जो अथवा में दिया गया वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन, तो आपको ये बताना है इसमें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये वायुमंडल में प्रकाश जब गुजरता है, ये वायुमंडल से आने वाला प्रकाश है, और वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूल के कण जो है वो उपस्थित रहते हैं, तो जब प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं वो इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और इस प्रकाश को अवशोषित करने के बाद जो है वो किसी अन्य दिशा में उसे विकिरित कर देते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है, तो ध्यान दीजिए आपको नियम क्या बताया गया कि जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में जो धूल के कण उपस्थित होते हैं वो कण क्या करते हैं, उस प्रकाश को पहले अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद उस प्रकाश को जो है किसी अन्य दिशा में विकिरित कर देते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद रखिएगा आपको इसमें यह बताना है कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात किसी अन्य दिशा में विकिरित कर देते हैं, यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश, याद रखिएगा जो प्रकाश आ रहा है ये आपतित, और टकराने के बाद जब बाहर निकलता है जो प्रकाश उसको बोलते हैं प्रकीर्णित प्रकाश, याद रखिएगा ये आपतित प्रकाश और ये प्रकीर्णित प्रकाश। तो जो लॉर्ड रैले हैं, लॉर्ड रैले ने इसके लिए प्रतिबंध दिया है, याद रखिएगा लॉर्ड रैले ने बताया है कि आई प्रपोर्शनल टू 1/4
लेमडा की पावर 4 ये लार्ड रैले का प्रतिबंध है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये आई है ये यहाँ पर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और इसके अलावा जो लेमडा दिया गया है ये यहाँ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो ये जो प्रतिबंध है ये लार्ड रैले ने दिया है। तो आप इसके अनुसार बता सकते हैं यहाँ पर कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई वो उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत क्रमानुपाती होती है। ये लार्ड रैले का प्रतिबंध है, ध्यान दीजिए जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको लिखना है इसमें कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के चतुर्थ घात के जो है यहाँ पर व्युत क्रमानुपाती होती है। तो ये लार्ड रैले का यहाँ पर प्रतिबंध हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि जब प्रकाश जो है वो वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा अवशोषित हो जाता है, इसके बाद धूल के कण जो है उस प्रकाश को किसी अन्य दिशा में विकिरित कर देते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके अलावा जो है खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि खतरे के निशान में सदैव लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। और इसके अलावा इसमें यह दिया गया था कि लार्ड रैले प्रकीर्णन और इसके अलावा जो है रमन प्रभाव में भिन्नता। तो रमन प्रभाव के लिए याद रखिएगा जैसे कि कोई कार्बनिक द्रव यानी कि आप ले सकते हैं यहाँ पर बेंजीन। तो जब किसी कार्बनिक द्रव जैसे कि बेंजीन पर जो है प्रकाश किरणपुंज आपतित होता है, तो जब प्रकाश किरणपुंज आपतित होता है तो वहाँ पर जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है यानी कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है उसमें जो न्यू की जो रेखाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं रैले रेखाएं। तो याद रखिएगा इस रैले रेखाएं के अतिरिक्त उसमें जो है -(ν₁), -(ν₂), इसके अतिरिक्त आप बता सकते हैं (ν+ν₁), (ν+ν₂), इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो भी प्राप्त होती हैं जिन्हें स्टोक रेखाएं तथा प्रति स्टोक रेखाएं कहते हैं। तो याद रखिएगा ये घटना क्या कहलाती है? रमन प्रभाव। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से आप इसके तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है कार्य फलन की परिभाषा दीजिए, और इसके आगे लिखा है इसमें कि एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आगे न्यूमेरिकल दिया गया है, और सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कार्य फलन की परिभाषा दीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए कार्य फलन जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, तो ये जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए कार्य फलन के लिए पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, आपको इसके पहले ये पता होना चाहिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए आपको बताया गया कि जब भी किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, तो जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। याद रखिएगा जब किसी धातु की सतह पर जो है प्रकाश आपतित होता है तो उससे जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो कार्यफलन जो है इसी पर आधारित है। तो याद रखिएगा कार्यफलन के लिए आपको बताना है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, याद रखिएगा वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे बोलते हैं कार्य फलन। तो याद रखिएगा कार्य फलन क्या है कि धातु की सतह पर आपतित वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे बोलते हैं कार्य फलन। कार्य फलन को प्रदर्शित किया जाता है W से। याद रखिएगा कार्य फलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? W से। और इसका सूत्र होता है ध्यान दीजिए W=h(ν₀) या फिर कह सकते हैं h(ν₀). तो ये यहाँ पर इसका सूत्र होता है, या फिर ध्यान दीजिए μ₀ यानी कि μ₀ बराबर होता है c/λ₀। तो अगर इसकी जगह पे ये मान प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा W=hc और बटे में यहाँ पर आ जाएगा λ₀। तो ये यहाँ पर जो होता है कार्यफलन का सूत्र होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एच आया है इसे बोलते हैं प्लांक नियतांक, और इस H का मान होता है 6.6
गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लेमडा जीरो है इसे बोलते हैं दिल्ली तरंग दैर्ध्य। तो आप ध्यान दीजिए जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिभाषित करना है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल होता है। याद रखिएगा इसका मात्रक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, इसके अलावा जूल भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन में आगे आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे, फिर आगे लिखा है फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य यानी कि जो प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य दी गई है उसे हम लोग लिखेंगे लेमडा नॉट से। इसका मान आपको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और इसके बाद ध्यान दीजिए इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर, इस पर जब 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश और डालते हैं यानी कि लेमडा बराबर आपको दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम, इतना दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए इससे यहाँ पर हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो इसे मीटर में बदलेंगे तो 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 जीरो दिए गए, 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3 आप लिख सकते हैं, तो इससे आप लिख सकते हैं 6 × 10³ और गुणे में हो जाएगा 10⁻¹। इस प्रकार से यानी कि ये बनेगा 6 × 10⁻¹ से 3 घट जाएंगे तो -7 मीटर, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम था तो ये बदल के आएगा 6 × 10⁻¹ मीटर। इसी प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं तो ये आ जाएगा फिर 4 × 10⁻¹ मीटर, ये इतना हो जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पर ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लांक नियतांक यानी कि h का मान आपको दिया गया है इसमें 6.6 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, इतना आपको h का मान दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि e k इसका मान जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं ई के बराबर एच न्यू बराबर होता है सी बटे लेमडा, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा एच सी बटे लेमडा माइनस और डब्लू यानी कि कार्यफलन। कार्यफलन में भी बताया गया आपको इसका सूत्र होता है एच सी अपान लेमडा जीरो यानी कि लेमडा नॉट कह सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए ई के बराबर इसमें एच सी यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 बटे लेमडा माइनस में हो जाएगा 1 बटे लेमडा 0। ई के बराबर एच सी यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों का लाशा लेंगे तो लेमडा लेमडा नॉट, इधर इसका गुणा करेंगे तो लेमडा नॉट माइनस लेमडा, इतना हो जाएगा। अब इसमें मान रखे जाएंगे तो ध्यान दीजिए ई के बराबर एच प्लांक नियतांक है, इसका मान हो जाएगा 6.6 × 10⁻¹⁴। इसके बाद सी प्रकाश की चाल होती है तो प्रकाश की चाल है तो सी का मान हो जाएगा 3 × 10⁻¹⁸ यहाँ पर हो जाएगा 8, ये प्रकाश की चाल हो जाएगी यानी कि सी का मान। इसके बाद ध्यान दीजिए लेमडा नॉट दिया गया है, इसका मान यहाँ पर है 6 × 10⁻¹⁷ इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस लेमडा, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 4 × 10⁻¹⁷ और बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए लेमडा इंटू लेमडा नॉट, दोनों को गुणा में लिखना है यानी कि 6 × 10⁻¹⁷ और गुणे में हो जाएगा 4 × 10⁻¹⁷, ये इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए ई के बराबर इसका यहाँ पर जब गुणा करेंगे या फिर ध्यान दीजिए 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 × 1 = 3 ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 1 = 2 यहाँ पर 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6 ये इतना आएगा। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा 3.3 × 10⁻¹⁴ यहाँ पर दिया गया -34 और यहाँ पर 10⁸ तो 34 से ये वाले जब 8 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻¹⁶ ये इतना आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 6 से 4 घटेंगे तो 2 × हो जाएगा 10⁻¹⁷ बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4 × 10⁻¹⁷ और 7 मिल के आ जाएगा 14 इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 4
इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये हो जाएगा e के बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3.3 इतना होगा बटे बटे में यहाँ पर लिख सकते हैं 2, इसके बाद गुड़े। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 10^-14 ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस के 14 से जब ये 7 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10^7, और इसके बाद -26 दिया गया, तो -26 में जब प्लस के 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10^-19, ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए e के बराबर, जब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2×1=2, फिर दशमलव लगाएंगे 13 हो जाएगा, यानी कि 2×6=12, और इसके बाद 2×5=10, गुणे में हो जाएगा 10^-19। तो यहाँ पर जो ये मान आएगा ये जूल में आएगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा e के बराबर 1.65×10^-19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6×10^-19 से भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा e के बराबर, तो अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 1.03, और ये आगे दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया कि नाभिक के एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन एवं एक बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण जो है एंटी न्यूट्रॉनों में विघटन होता है, इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, और आगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान दिए गए हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताया कि जो भी पदार्थ है उसमें उसके द्रव्यमान में ही जो है ऊर्जा निहित होती है। ये आइंस्टीन ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ में जो है उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये सूत्र जो है आइंस्टीन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान में ही जो है ऊर्जा निहित होती है। तो जो ऊर्जा द्रव्यमान के कारण होती है उसे बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। याद रखिएगा, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान में ही जो है ऊर्जा निहित होती है, यानी कि द्रव्यमान में ही ऊर्जा होती है, फिर कह सकते हैं द्रव्यमान के कारण ही जो है ऊर्जा होती है। इसके लिए उन्होंने समीकरण दिया था ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इसमें जो डेल्टा एम है इससे बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो ई बराबर एम सी के अनुसार जो है किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को जो है ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो समीकरण लिखा गया है इसे बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसी समीकरण के द्वारा द्रव्यमान को जो है ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी में जो आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि नाभिक के एक न्यूट्रॉन का जो है एक प्रोटॉन एक बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण यानी कि एंटी न्यूट्रॉनों में विघटन होता है, इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, आगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान दिए गए। तो ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, इसको लिख सकते हैं हम लोग एम एन से। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.6747 इतना दिया गया है, और गुणे 10^-27 किलोग्राम, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। इसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के द्रव्यमान को लिख देते हैं एम पी से, इसका मान दिया गया है 1.6725×10^-27 किलोग्राम, ये इतना दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए, आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए एम ई, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा एम ई, तो अब इसमें आपको ध्यान देना है, इसका मान दिया गया है 9.1×10^-31 किलोग्राम, इतना दिया गया है। और इसमें आगे आपको ये भी दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10^-19 जूल, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऊपर यहाँ पर दिया गया था कि एक न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं 0N1, तो एक न्यूट्रॉन का जो है विघटन जो हो रहा है एक प्रोटॉन यानी कि 1H1 लिख सकते हैं, इसके अलावा एक बीटा कण यानी कि -1β0 और तथा एक ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रिनो, इतना, यानी कि एक न्यूट्रॉन है और इस न्यूट्रॉन का जो है एक प्रोटॉन
इसके अलावा एक बीटा कण और एक न्यूट्रिनो यानी कि ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रिनो में जो है विघटन हो रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन जो था ये तीन भागों में टूट रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग द्रव्यमान क्षेत्र यानी कि डेल्टा एम का मान ज्ञात करेंगे तो एम पी इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस एम ई और माइनस हो जाएगा एम एन इस प्रकार से। तो इसमें मान रखेंगे, ध्यान दीजिए, एम पी इसका मान आपको दिया गया है 1.6725 गुणे 10 की घात माइनस 27 इस प्रकार से। फिर प्लस एम ई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 की घात माइनस 27, यहाँ भी 10 की घात माइनस 27 और ये दिया गया 10 की घात माइनस 31, तो इससे भी 27 बनाना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव हम लोग बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ पर एक के बाद ये 9 दिया गया है, दशमलव एक, इसके बाद 2, 3, 4, जब 4 अंक हम लोग दशमलव इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। यहाँ पर ये दशमलव जो था 4 अंक बाईं तरफ ले आए, तो यहाँ पर जब बाईं तरफ लाएंगे तो घात प्लस में 4 बढ़ जाएगी तो ये आ जाएगा 27। अब ध्यान दीजिए, एम ई इसका मान हम लोग लिखेंगे 0.0009 इतना हो जाएगा, बाकी एक लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि ध्यान दीजिए दशमलव के बाद 4 अंक दिए गए, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक, गुणे 10 की घात माइनस 27 इतना हो जाएगा। इसके बाद माइनस एम एन इसका मान ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका मान आपको दिया गया है 1.6747 और गुणे 10 की घात माइनस 27 इतना हो जाएगा। अब 10 की घात माइनस 27 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए ये और ये ऐड करना है आपको, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 9.5 मिल के हो जाएगा 14, इसके बाद 2 दिया गया ये हो जाएगा 3.76, माइनस करेंगे 1.6747 इतना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इससे माइनस करना है। तो अब ध्यान दीजिए 10 की घात माइनस 27 इतना होगा। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है 6747 और यहाँ पर है 6734, तो इससे घटाएंगे कि ये बड़ा है तो 7 से 4 जाएंगे, यहाँ पर आएगा 3, इसके बाद ध्यान दीजिए 4 से 3 जाएंगे ये हो जाएगा 1, फिर 7 से 7 घटेगा 0, 0, 0, तो ये मान आएगा माइनस में, यानी कि इसको लिख सकते हैं -0.0013 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ध्यान दीजिए माइनस में आने का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान क्षति है, इतनी क्षति हो रही है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब हम लोग इस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलेंगे तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सूत्र प्रयोग करना है E=ΔmC², तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E=ΔM, इसका मान आपको लिखना है 0.0013 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस 27, सी 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ से जो मान आएगा वो जूल में आएगा। अब ध्यान दीजिए E=0.0013 गुणे 10 की घात माइनस 27 गुणे ये हो जाएगा 3×9 गुणे 10 की घात 16। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप भाग करेंगे 1.6×10⁻¹⁹ से, तो ये बदलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन आपको ज्ञात करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मिलियन में बदलने के लिए 10⁻⁶ से भी भाग करेंगे। तो अब इसके बाद जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 0.731 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसका यहाँ पर गुणा करके इस संख्या से भाग करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।